नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, हम इंटरनेशनल जीके के लगातार टॉपिक कर रहे थे, उसके साथ साथ में हम नेशनल जीके और हरियाणा जीके पे भी अपना फोकस कर रहे हैं। इनके लगभग 50% होने के बाद में वर्ल्ड जीके के, नेशनल जीके के और हरियाणा जीके के 50% सिलेबस होने के बाद में मैं आपको इंग्लिश सब्जेक्ट भी करवाऊंगा और आप देख पाओगे कि किस तरह से आपके नॉलेज के अंदर लगातार ग्रोथ हो रहा है और लगातार आपको जो पिछले कुछ सालों में एग्जाम आ रहे हैं उनको सोल्व करने में आपको समस्याएं नहीं आ रही है। तो आज हम नेशनल जीके की ही शुरुआत करते हुए एक महत्वपूर्ण विषय को पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा विषय रहेगा ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। हम ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया में केवल रोड के बारे में आज अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हमें पता है ट्रांसपोर्टेशन में रेलवे भी आता है, रोड भी आता है, एयरवेज भी आता है, वाटरवेज भी आता है। हम केवल रोड के बारे में आज अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखिए, भारत में सड़क परिवहन के बारे में क्या क्या निकल के आता है। भारत में जो सड़कों की कुल लंबाई है वो 33.20 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, ये आंकड़ा आपको याद रखना है। और हम सड़कों के लंबाई में थर्ड स्थान पे हैं। पहले स्थान पे यूएसए आता है, दूसरे स्थान पे रसिया आता है और तीसरे स्थान पे भारत आता है, इंडिया आता है। ये सवाल है कि सड़कों की घनत्व में, सड़कों की कुल लंबाई में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन है? यूएसए। ये 2017 के एचपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी पूछा गया था कि सड़कों की कुल लंबाई में दुनिया में सबसे ऊपर कौन सा देश है। राइट आंसर आएगा यूएसए और भारत यहाँ पे तीसरे स्थान के ऊपर है। तो यहाँ पर कुल लंबाई कितनी है? 33.20 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो भारत में सड़कों को हम चार भागों में बांट सकते हैं। पहला नेशनल हाईवे, दूसरा स्टेट हाईवे, तीसरा डिस्ट्रिक्ट रोड एंड फोर्थ रूरल रोड, इन्हें हम विलेज रोड भी कहते हैं। यहाँ पे कच्ची और पक्की दोनों सड़कें शामिल की गई हैं। तो नेशनल हाईवे से हम शुरुआत करते हैं। नेशनल हाईवे, जैसे हमने बताया, 33.20 लाख स्क्वायर किलोमीटर कुल है। तो नेशनल हाईवे केवल 70,548 किलोमीटर में फैले हुए हैं, लगभग 1.4% ही हैं केवल टोटल 100% के। बट इनका इकोनॉमिक और कॉमर्शियल महत्व तो बहुत अधिक है, क्योंकि ये तेज गति से रफ्तार से साधनों को पहुंचाते हैं और ये फोर लेन होते हैं। इनपे सड़क परिवहन आसानी से और सुगमता से होता है। तो नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे देखते हैं हम, फिर स्टेट हाईवे देखेंगे। नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे में जो टोटल भारत में नेशनल हाईवे कितने हैं? 228। ये आंकड़ा भी बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत में कुल नेशनल हाईवे कितने हैं, राष्ट्रीय मार्ग कितने हैं। तो आंसर निकल के आएगा 228। तो हम कुछ नेशनल हाईवे के बारे में विस्तृत चर्चा कर रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। नेशनल हाईवे नंबर 1 दिल्ली टू अमृतसर, नेशनल हाईवे नंबर 2 दिल्ली टू कोलकाता। ये देखिए ध्यान से, दिल्ली और दिल्ली आया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कोलकाता टू अमृतसर। ये NH1 और 2 है, इन्हें GT रोड भी कहते हैं। GT मतलब है ग्रांड ट्रंक रोड। इनका जो निर्माण कराया था NH1 और 2 का, ये शेरशाह सूरी ने करवाया था और इन्हीं के किनारों के ऊपर विश्राम गृह सराय स्थापित की थी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ जाता है। NH1 दिल्ली टू अमृतसर है। ये NH1 के अंदर भी NH1A NH1B दोनों आते हैं, जो अमृतसर को जलंधर को कहां जोड़ते हैं? जम्मू कश्मीर में जोड़ते हैं। NH3 आगरा टू मुंबई, NH5 जो भी क्वेश्चन पेपरों में आए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। NH5 कोलकाता टू चेन्नई, ये आपको सीधे याद रखने हैं, महानगरों को जोड़ते हैं। NH7 भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे वाराणसी टू कन्याकुमारी, ये लगभग आप कहो किन किन से जाता है? NH7 उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद हम कहें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये इतने राज्यों से होकर गुजरता है। और इसकी जो सर्वाधिक लेंथ है वो आंध्र प्रदेश में है। यह आंकड़ा तब का जब तेलंगाना सेपरेट नहीं हुआ था, तो आंध्र प्रदेश में इसकी लंबाई सबसे ज्यादा है। दूसरी इसकी लंबाई आप बात करोगे तो तमिलनाडु के अंदर है।
तो ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6 राज्यों से होके गुजरता है। अब आंध्र तेलंगाना को अलग कर दें तो 7 राज्यों से होकर ये गुजरता है। ये भारत का सबसे लंबा आप कहीं नेशनल हाईवे है, 2,369 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। आगे है NH8, ये दिल्ली से मुंबई है, आप इसको याद रख सकते हो, ये वाया आप कह सकते हो जयपुर होके जाता है और हरियाणा के रेवाड़ी से भी ये जाता है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए, दिल्ली टू मुंबई वाया जयपुर होते हुए। तो ये नेशनल हाईवे कुछ हमें लिखे हुए हैं जिनमें से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है भारत का, NH7 2,369 वाराणसी टू कन्याकुमारी, और सबसे छोटा नेशनल हाईवे नंबर 47A 47A नेशनल हाईवे नंबर सबसे छोटा है, जो केवल 6 किलोमीटर है, ये तमिलनाडु के अंदर है। सरप्राइजिंग इसकी लेंथ है, 6 किलोमीटर है ये केवल। अब हम बात करते हैं लार्जेस्ट 4 नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया, भारत के लंबाई के हिसाब से 4 बड़े नेशनल हाईवे कौन कौन से हैं। नेशनल हाईवे नंबर 1 पे आएगा सबसे बड़ा NH7 2,369 किलोमीटर, NH6 1,949, NH5 1,533 और NH15 है 1,526। ये नेशनल हाईवे लंबाई के अकॉर्डिंग सबसे बड़े नेशनल हाईवे हैं। 7, 6, 5 सीधा सीधा याद रखने का कोई ट्रिक का इस्तेमाल नहीं, 7, 6, 5 और 15 ये नेशनल हाईवे 4 सबसे बड़े हैं। 7 वाराणसी टू कन्याकुमारी है, 6 यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, 6 करेगा कलकत्ता को मुंबई से, NH5 यहाँ लिखा हुआ है कलकत्ता टू चेन्नई, NH15 ये मिलाता है आप कहीं पंजाब को मिलाता है, पठानकोट को मिलाता है, पोरबंदर से गुजरात से कच्छ के रण तक ये जाता है, तो ये हो जाएगा पंजाब टू गुजरात। तो ये है नेशनल हाईवे के बारे में। फिर आता है एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे नेशनल हाईवे से थोड़ा सा एडवांस्ड रोड होते हैं, आप कह सकते हो ये 4 to 6 लेन होते हैं, 4 to 6 ये बड़े बड़े जो ट्रक होते हैं और बड़े बड़े जो बोझ ढोने वाले सामान ढोने वाले साधन होते हैं उनको ज्यादा जल्दी मार्ग तय करवाता है। ये 4 to 6 लेन होते हैं। एक्सप्रेसवे में सबसे फेमस में दिल्ली टू मुंबई आप कहे तो कह सकते हो, आगरा टू लखनऊ आप कह सकते हो, ये सबसे बड़े एक्सप्रेसवे में आता है। इसके अलावा भी कुछ एक्सप्रेसवे भारत में हैं। यहां से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है अक्सर। एक और आता है नेशनल हाईवे से रिलेटेड, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आप कह सकते हो, स्वर्णिम चतुर्भुज रोड वो है जो भारत के 4 महानगरों को मिलाता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, ये चारों महानगरों को मिलाता है। ये 5,840 किलोमीटर में फैला हुआ है। यदि भारत के मानचित्र पे देखोगे दिल्ली टू मुंबई है, मुंबई टू चेन्नई और चेन्नई टू कोलकाता है, 5,840 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसका लगभग निर्माण पूरा हो चुका है और इसकी शुरुआत हो रही है। इसी के साथ साथ आता है नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ये भी बहुत बड़ा हाईवे का एक ग्रुप है, 4 to 6 लेन है ये भी। नॉर्थ से साउथ का मतलब आप कह सकते हो श्रीनगर से, नॉर्थ में श्रीनगर से साउथ में कन्याकुमारी तक, और ईस्ट में आप कह सकते हो ईस्ट में सिलचर से लेकर, सिलचर असम में है आप असम याद रख सकते हो, सिलचर से लेकर और साउथ में पोरबंदर तक गुजरात। ये वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है नॉर्थ से साउथ कॉरिडोर कौन से 2 जगह को मिलाता है, श्रीनगर से कन्याकुमारी, ईस्ट से वेस्ट कॉरिडोर किसको मिलाता है, सिलचर से पोरबंदर को। ये 7,300 किलोमीटर में फैला हुआ एक रोड सिस्टम है जो भारत का सबसे लंबा है, क्योंकि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल 5,840 किलोमीटर में है, जबकि भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे 2,369 किलोमीटर है। तो ये नेशनल हाईवे से रिलेटेड था जो 70,548 किलोमीटर फैले हैं, बट इनमें से इस तरह से बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो तथ्य मैंने आपको अवगत कराए हैं। 33,20,000 स्क्वायर किलोमीटर में से यहाँ पे 70,548 निकालते तो 1.4 समथिंग बैठता है, जो ज्यादा नहीं है, बट इनका इकोनॉमिक और कॉमर्शियल और ट्रेड के लिए बहुत अधिक महत्व है। इसके बाद आता है इसी में NHAI। NHAI क्या करती है,
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म बहुत बार पूछ ली जाती है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जब आप किसी भी रोड के टोल टैक्स पे जाते हो तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वेलकम यू लिखा होता है, ये इसका रोड के ऊपर टोल टैक्स लेने के लिए हाईवे की एक अथॉरिटी है। जो नेशनल हाईवे है, जितने भी नेशनल हाईवे है उनका निर्माण कार्य और उनकी देखरेख भारत सरकार करती है, जबकि स्टेट हाईवे है उनकी राज्य सरकार करती है। डिस्ट्रिक्ट जो रोड है उनके जिला मुख्यालय करते हैं, विलेज और रूरल रोड है उनके गांव भी देखरेख करते हैं, जबकि उसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और स्टेट जो है वो भी उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं स्टेट हाईवे, स्टेट हाईवे की बात करें तो यहाँ पे देखरेख का जो कार्य होगा वो राज्य सरकार के द्वारा होगा। स्टेट हाईवे की जो कुल लंबाई है वो 1,28,000 किलोमीटर है, जबकि डिस्ट्रिक्ट रोड उसके बाद आएंगे, फिर विलेज रोड आएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या निकल के आ सकते हैं, स्टेट हाईवे से सर्वाधिक लंबाई वाला राज्य कौन सा है, सड़कों की कुल लंबाई वाला राज्य। यहाँ पे लंबाई ज्यादा मैटर नहीं करेगी, आपको पता है इनकी कुल मात्रा कम है किलोमीटर में। तो सड़कों की सर्वाधिक लंबाई स्टेट हाईवे की किस राज्य में है, महाराष्ट्र में। सबसे कम किसमें है, सिक्किम में। यहाँ पे ऑपोजिट आंसर निकल के आ रहे हैं। सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र। सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य कौन सा है, उड़ीसा। सड़क घनत्व में सबसे ज्यादा सड़क घनत्व कहाँ का है, गोवा, ध्यान से याद कीजिए। सबसे कम सड़क घनत्व किस राज्य का है, जम्मू एंड कश्मीर। भारत का सबसे ऊंची सड़क कौन सी है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, लेह श्रीनगर मार्ग को कह सकते हो। 3,450 मीटर ऊंची है ये, लगभग 3.5 किलोमीटर मीन सी लेवल से ये ऊपर है। तो यहाँ पे ये स्टेट हाईवे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड, डिस्ट्रिक्ट रोड का जो देखरेख होता है वो डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय द्वारा किया जाता है। आप जानते हो कि इनकी जो देखरेख होती है वो लोकली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और मतलब राज्य सरकार के अंतर्गत देखरेख में ये मेंटेन किए जाते हैं। इसी के बाद आता है रूरल और विलेज रोड, ये 26,50,000 फैले हुए हैं। बड़े ध्यान से देखने की बात है, टोटल 33 लाख में से 26 लाख, 26.5 लाख तो केवल ग्रामीण सड़कें हैं, जबकि 4,70,000 डिस्ट्रिक्ट रोड हैं, और इनकी जो मात्रा है वो तो बहुत कम है, दोनों मिला के भी 2 लाख नहीं है 33,20,000 में से। तो यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट रोड हैं उनसे कोई क्वेश्चन नहीं निकल के आता है, जबकि जो रूरल रोड हैं, विलेज रोड हैं, उनसे क्वेश्चन निकल के आ जाता है। PMGSY प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, यह योजना बहुत पुरानी योजना है और इस योजना के तहत प्रत्येक गांव में सड़क बनाने का काम किया जाता है, जिस गांव की जो आबादी है वो 500 से ऊपर हो। आप देख सकते हो अपने अपने गांव का उदाहरण लेके, जहां पर किसी भी गांव की आप कुल आबादी 500 से ऊपर है वहां पर पक्की सड़क प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाई जा रही है। इसके अलावा क्वेश्चन कहां से आ सकता है, हाईएस्ट नेशनल हाईवे किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश आएगा। कुल सबसे ज्यादा सड़कों की लंबाई कहाँ पे है, महाराष्ट्र आएगा। सबसे कम नेशनल हाईवे कहाँ है, पूर्वोत्तर राज्यों में नहीं है, आप कह सकते हो अरुणाचल प्रदेश आंसर निकल के आएगा सबसे कम नेशनल हाईवे में। सबसे कम सड़कों की कुल लंबाई में सिक्किम निकल के आएगा, तो यहाँ से ये क्वेश्चन निकल सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, एक तो था नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। अब ये सिलचर से पोरबंदर और श्रीनगर से कन्याकुमारी जब इस तरह से आता है तो ये आपस में कहां पर मिलता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। झांसी आंसर आएगा मध्य प्रदेश के अंदर, ये भी आप ध्यान रखें। और एक और आता है राष्ट्रीय राजमार्गों का, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहा जाता है, अर्थात ऐसा कौन सा भारत का शहर है और जगह है जहां पे सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे मिलते हैं। इसमें आंसर कानपुर निकल के आएगा, कानपुर। ये सवाल भी हमने आते हुए देखा है, नेशनल हाईवे का प्लेटफॉर्म और चौराहा किसे कहा जाता है, कानपुर को। कॉरिडोर कहाँ मिलता है, आपस में मिलता है झांसी के अंदर। तो ये लेक्चर था आज का हमारा सड़कों के बारे में, जिसमें हमने पाया कि भारत थर्ड स्थान पे है, पहले पे यूएसए है। नेशनल हाईवे में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश है, टोटल सड़कों के अंदर महाराष्ट्र है। नेशनल हाईवे में सबसे कम अरुणाचल प्रदेश है, सबसे कम सड़कों की कुल लंबाई में सिक्किम है, सर्वाधिक सड़कों की जो लंबाई है वो महाराष्ट्र में है, कच्ची सड़कों की सर्वाधिक लंबाई आप कह सकते हो उड़ीसा में है, सड़क घनत्व में सबसे ऊपर गोवा है, सबसे कम सड़क घनत्व में J&K है। विभिन्न प्रकार के तथ्यों के साथ हम अपनी प्रस्तुति की है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा और ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाएं ज्यादा से ज्यादा अपने नोन से, और उससे फायदा क्या होगा, आप किसी भी समय
पूरा नेटवर्क बना के अपनी तैयारियां कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा इसको वीडियो को देखिए और लेक्चर को समझने की कोशिश कीजिए। जहां पर भी आपको मिसकंसेप्ट लगता है, एरर लगता है, आप मेरे से किसी भी समय कॉन्टेक्ट करें, मैं आपको विद इन सेकेंड और कुछ ही मिनट में आपको जरूर जवाब दूंगा। तब तक आप घर रहें, स्वस्थ रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।